26/11/2008 को 10 साल हो गया है। मैं, मेरा भाई और मेरे पापा हम तीनों पुणे जाने के लिए सीएसटी गए थे बांद्रा से। सीएसटी गए 12 होते हम लोग प्लेटफॉर्म के सामने बैठे, उतने में मेरा भाई बोला मुझे टॉयलेट आया। पापा बोले तो टॉयलेट जाके आजा, हम टिकट निकाल के जाएंगे। जैसे ही वो टॉयलेट को गया गोली फायरिंग हुई और बॉम्ब विस्फोट हुआ। अब लोग भागने की कोशिश की तो कसब की गोली आके मेरे राइट पैर में लगी, मैं गिर गई, बेहोश हो गई। पर मैंने बेहोश होने के पहले उस आतंकवादी को देख लिया था जिसने मुझे गोली मारी। कई लोगों को गोली मारी, वहाँ पब्लिक भाग रहे थे, गिर रहे, कोई कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। किसी के हाथ में गोली लग रही है, किसी के पैर में लग रही है, किसी को पेट में गोली लग रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है वहाँ पर। वो शख्स अंधाधुन फायरिंग कर रहा है, उसके चेहरे पे एक स्माइल है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि वो क्यों मार रहा है, किसको क्या जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम उसके दुश्मन है, वो हमें गोली मार के उसे कुछ खुशी मिल रही है। वहां से फिर मैं बेहोश हो गई थी, वहां से मुझे संजोज हॉस्पिटल लेके गए। संजोज में मैंने देखा कितने जन मरे थे, घायल थे, देख के मैं डर गई, घबरा गई। वहां मेरा ऑपरेशन हुआ, क्योंकि डॉक्टर ऐसे किसी को बेहोश नहीं कर रहे थे, ऐसे ऑपरेशन कर रहे थे, बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वहां से मुझे जेजे हॉस्पिटल लेके गए। जेजे हॉस्पिटल में मैं करीबन 1.5 महीना एडमिट हुई, पैर का 6 बार ऑपरेशन किया गया। जब मुझे डिस्चार्ज दिया गया तो मैं मेरा राजस्थान गांव गई थी। मुंबई क्राइम्स ऑफिसर से मेरे काकू को कांटेक्ट किए, बोले कि देविका के पिताजी का नंबर मिलेगा क्या। मेरे पापा से बात किए, बोले आप 10 जून को आके कोर्ट में बयान देने के लिए तैयार हो। हमने बोला हम तैयार है बयान देने के लिए। मेरे पापा ने दोनों टेररिस्ट को देखा था, पहले उनकी गवाही हुई, उसके बाद मेरी हुई। मैंने एक ही आतंकवादी कसाब को देखा था, जिसको मैंने देखा था जो गोली फायरिंग अंधाधुंध कर रहा था। तो 10 जून को कोर्ट में हम दोनों गए और मैं सबसे पहले जज साहब का क्वेश्चन था कि बेटा आपको कसम का मतलब पता है। उन्होंने बोला हाँ सर, मैं सच बोलूंगी तो भगवान मेरा साथ देगा, अगर मैं झूठ बोलूंगी तो भगवान मुझे सजा देगा। उसके बाद मुझे बोले जो शख्स को आप जानते हो जिसने गोली फायरिंग किया। मैंने बोला हाँ, जो जज साहब के बाजू में बैठा था वो था आतंकवादी कसाब। मेरे सामने 3 टेररिस्ट को रखा गया था, उसमें से मैंने आतंकवादी कसाब को पहचाना भी। 26/11 के बाद जैसे मैं विटनेस बनी, उसके बाद मुझे तकलीफें कही हुई। मैं स्कूल में एडमिशन के लिए गई तो मुझे स्कूल वाले बोले कि नहीं, आप आओगे तो गोली फायरिंग होगा और बॉम्ब स्पॉट होगा, आप हमारे स्कूल में नहीं आ सकते, हम आपको एडमिशन नहीं देंगे। वहां पर मुझे एडमिशन नहीं दिया गया। बाद में एवीपी अखिल विद्यार्थी स्टूडेंट ने मेरे लिए लड़ा, उसके बाद मुझे 7वीं कक्षा में एडमिशन दिए गए। मैं अभी स्टडी कर रही हूँ। और गवर्नमेंट से सिर्फ मुझे बड़े बड़े वादे मिले, बोले कि हम आपको रहने का घर देंगे, आपको व्यवस्था करेंगे पढ़ाई के लिए, पर कुछ भी नहीं किया गया, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें किए गए। मेरे पापा का बिजनेस सब कुछ बंद हो चुका है, जो पहले 26 हजार के पहले हमारा बिजनेस चलता था, पापा ड्राई फ्रूट्स मैन थे, वो सब बिजनेस बंद है। अभी मार्केट में जाते तो बोलते आप आओगे तो टेररिस्ट आ जाएंगे आपके पीछे, कसाब को मारने के लिए आपसे बदला लेने की, आप मरोगे तो मरोगे, हमें क्यों मार रहे हो। लोगों का कहना है ऐसा, हमारे घर का प्रॉब्लम होते, जहाँ रहते हैं वहाँ तकलीफ आती है, बहुत सारी मतलब तकलीफ है, बहुत आई है 26/11 के बाद। जैसा मैं सपोर्ट चाहती थी वैसा सपोर्ट मुझे मिला नहीं गया। मुझे राइट पैर में गोली लगी थी सीएसटी में, वो हादसा वो घाव मैं कभी भूल नहीं सकती। मेरे पैर में आज भी निशान है, मेरे पैर में अभी भी तकलीफ देती है, ठंडी में बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। वह हादसा मैं चाहके भी भूलना नहीं चाहूंगी, अगर मैंने वह हादसा भूल गई तो मुझे ऐसा लगेगा मैंने टेररिज्म माफ कर दी, और मैं चाहके भी टेररिज्म को माफ नहीं करना चाहती। मैं एक पढ़ लिखी आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, कसाब देशों से बड़े बड़े आतंकवादी को मैं खत्म करना चाहती हूँ। वो 26/11 का हादसा मैं ही नहीं, शायद कोई देशवासी भी अपना कभी भूल नहीं सकता। कसाब को फांसी लगने से ये नहीं कि हमें पूरा इंसाफ मिल गया। कसाब से जो बड़े बड़े आतंकवादी जो मेन मास्टरमाइंड बचा है उसे फांसी की सजा होगी जब लगेगा कि हमारे जख्म पूरे भर चुके। अभी तक तो हमारे जख्म हरे, अभी तक वो पूरा भरा नहीं है। वो हादसा हम भूल नहीं सकते। सिर्फ कसाब तो एक छोटा मच्छर था, उसको फांसी देने से कुछ नहीं, जो मेन आतंकवादी है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए।